वेलकम एवरी वन इन हरियाणा सेट एग्जाम आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हरियाणा सेट के लिए क्या सिलेबस है और क्या, क्या क्वालिफिकेशन है और हरियाणा सेट का एग्जाम कब होगा ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे हरियाणा सेट पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हरियाणा सीई टी है क्या सीई टी है कॉमन एलेक्जिबिलिटी टेस्ट जो कि सभी हरियाणा के सी और डी ग्रुप के लिए कॉमन एलेक्जिबिलिटी टेस्ट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम जून फोर टू ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलेक्जिबल कैंडिडेट्स फॉर सेवरल ग्रुप सी एंड डी पोस्ट इसमें यह है कि जो कॉमन एलिजिबलिटी टेस्ट है वो कब चार जून से बारह जून तक हेल्थ किया जाएगा और ये कौन से ग्रुप के लिए है ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट के लिए अब हम देखेंगे इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इस सी ई टी पेपर को क्लियर करने के लिए फिफ्टी परसेंट मार्क्स की जरूरत है जर्नल के लिए और फोर्टी परसेंट अदर कास्ट के लिए देर विल बी नो हरियाणा सीट एट फोर टीचिंग पोस्ट जो टीचिंग पोस्ट है उसके लिए सी ई टी वैलिड नहीं है नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए फोर ग्रुप सी पोस्ट द कैंडिडेट मस्ट बी ट्वेल्थ पास फ्रॉम ऑर्गेनाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूट ग्रुप सी के लिए जो कैंडिडेट हैं वो ट्वेल्थ पास होने जरूरी हैं किसी भी ऑर्गेनाइज बोर्ड से या फिर इंस्टीट्यूट से और जो ग्रुप डी है ग्रुप डी की पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको टेंथ पास होना बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइज बोर्ड से या फिर इंस्टीट्यूट से अब हम देखेंगे कि हाँ क्या एज लिमिट है सीईटी क्लियर करने के लिए या फिर फिर फॉर्म फिल करने के लिए अकॉर्डिंग टू हरियाणा सीईटी नोटिफिकेशन द मिनिमम एज ऑफ द हरियाणा सीईटी जो मिनिमम एज है वो तो एटीन ईयर हैं और मैक्सिमम फोर्टी टू ईयर्स अब हम देखेंगे एग्जाम्स ड्यूरेशन कितनी है मोड कौन सा है क्वेश्चन कितने होंगे ये पढ़ेंगे देखेंगे ड्यूरेशन कितनी है वन हार थर्टी मिनट्स मोड कौन सा होगा ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं है यहाँ पे ओके okay? और क्वेश्चन क्या है एमसीक्यू क्यू है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स कितने हैं हंड्रेड मार्क्स एग्जाम्स आएगा नाइनटी फाइव मार्क्स का और फाइव मार्क्स हमें जिसके फादर जो फादरलेस है या फिर घर में किसी की भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है उसके लिए ये स्पेशल अब देखो मार्क्स स्कीम क्या है वन मार्क्स फॉर एवरी राइट आंसर अगर आपका एक क्वेश्चन ठीक होगा तो आपको एक मार्क मिलेगा और सबसे अच्छी बात इस पेपर में ये है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है अब देखते हैं हम इसका सिलेबस सीईटी टी का सिलेबस क्या है हम बिना सिलेबस के पढ़ें ये भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि सिलेबस कुछ हो हम पढ़ते कुछ रहे तो हम सिलेबस देखते हैं रीजनिंग का पहले रीजनिंग देखें रीजनिंग में क्या है रिलेशनशिप है कोडिंग है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस रैंकिंग है सिलाजिजम है डायरेक्शन है वन आउट वेरिएबल रीजनिंग क्लॉक एंड कैलेंडर और ये वेरिएबल रीजनिंग दोबारा गया सॉरी और ये क्या है पजल ये किसका सिलेबस है सीईटी का रीजनिंग का अब हम देखते हैं मैथ्स का सिलेबस क्या है सीईटी पेपर के लिए सिंप्लीफिकेशन है सिंप्लीफिकेशन है रेशो एंड प्रोपोर्शन है नंबर सिस्टम है प्रॉफिट एंड लॉस एवरेज डिस्काउंट परसेंटेज टाइम एंड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क नंबर सिस्टम और डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको जिसको हम डीआई बोलते हैं और कंप्यूटर के लिए कौन क्या क्या सिलेबस है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बेसिस ऑफ कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरनेट एमएस वर्ड शॉर्टकट कीज़ नेटवर्किंग और फुल फॉर्म भी नेक्स्ट हरियाणा जी के हरियाणा जी के से क्या क्या पूछा जा सकता है जोग्राफी ऑफ हरियाणा हिस्ट्री कल्चर पॉलिसीज़ अपॉइंटमेंट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस इन हरियाणा अवार्ड्स और जर्नल साइंस में क्या क्या आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लांट एंटामनी ह्यूमन एंटोमनी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस लाइफ साइंस अब हम देखते हैं इंग्लिश का इंग्लिश का क्या सिलेबस है सीई एग्जाम्स के लिए फिलिंदा बेलेंस होंगे Idioms and perhaps होंगे वन वर्ड सब्सिट्यूशन स्पेलिंग करेक्शन टेंस सेंटेंस रीअरेंजमेंट ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन और एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो